जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। उम्मीद करता आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ टॉप 10 साउथ मूवीज। दोस्तों, हर बार की तरह सभी मूवीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके सभी मूवीज़ को आप हिंदी डब में देख सकते हैं। दोस्तों, तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए, अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेके आते हैं साउथ, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड सभी मूवीज लेके आते हैं और साथ में लिंक भी प्रोवाइड कर देते। तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो में टाइम ना गवाते हम आगे बढ़ेंगे जो हमारी नंबर टॉप 10 की मूवी है। तो 10 नंबर पे आती है जत्थर। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें, 8 अप टॉप 10। दोस्तों, इस मूवी के रिव्यू में आपको देखने को मिल जाएंगे चेतन चंद्र। दोस्तों, ये मूवी 2015 में आई थी। दोस्तों, इस मूवी को 90% गूगल यूजर ने लाइक किया है। तो दोस्तों, ये एक एक्शन भाड़ू मूवी है, जो इसको आपने देखना अभी तक मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके इस मूवी को देख लीजिए। इस मूवी में आपको ड्रामा एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 9 की मूवी है, उसका नाम है हैप्पी वेंडिंग। दोस्तों, ये मूवी 2018 में आई थी। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 अप टॉप 10, जो एक बेहतरीन एवरेज रेटिंग मानी जाती है। दोस्तों, ये एक बेस्ट रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी भी इसको आप बोल सकते हैं। दोस्तों, अभी तक इस मूवी को आपने देखना मिस किया है तो पहले जाके इस मूवी को देख लीजिए। काफ़ी साल एक फैमिली ड्रामा भी इसको आप बोल सकते हैं। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके जल्दी इस मूवी को देख लीजिए। और जो आपने देखा है तो बोलना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। तो हम बात करते हैं जो नंबर 8 की मूवी है, 8 पे आती है ट्रंक। दोस्तों, ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस मूवी के रिव्यू में आपको देखने को मिल जाएंगे निहाल राजपूत। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.6 अप टॉप 10, जो एक बेहतरीन एवरेज रेटिंग मानी जाती है। दोस्तों, इस मूवी को 95% गूगल यूजर ने लाइक किया था। दोस्तों, मूवी बेस्ट है, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर भी इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी जाके इस मूवी को आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो वीडियो में टाइम ना गवाते हम वीडियो में बढ़ेंगे आगे जो हमारी नंबर 7 की मूवी है। 7 पे आती है दृश्यम। दोस्तों, ये एक 2013 में आई बेस्ट ड्रामा क्राइम मूवी है। दोस्तों, इस मूवी के रिव्यू में आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे मोहनलाल और भी कई आदर्श एक्टर इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी IMDb रेटिंग है 8.4 अप टॉप 10। दोस्तों, इसको 95% गूगल यूजर ने लाइक किया था। दोस्तों, इस मूवी को आपने अभी तक देखना किया है मिस तो अभी जाके इस मूवी को देख लीजिए। और आपको ये मूवी कैसी लगी और आपने जो देखी है तो नीचे कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि बाकी यूजर को देखने में आसानी हो। तो बात करते हैं जो हमारी नंबर 6 की मूवी है, उस मूवी का नाम है पप्पू पासपोर्ट। दोस्तों, ये मूवी दोस्तों 2016 में आई थी। एक ड्रामा एक्शन मूवी है। दोस्तों, इस मूवी का कमेंट आप लोगों का आ रहा था तो मैं इस मूवी को भी लिस्ट में शामिल कर दिया है। दोस्तों, इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.2 अप टॉप 10। दोस्तों, इस मूवी का रिव्यू में आपको देखने को मिल जाएंगे विजय सिद्धुपति। दोस्तों, इस मूवी को 93% गूगल यूजर ने लाइक किया है। तो दोस्तों, इस मूवी का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस मूवी को जल्दी जाके देख लीजिए। तो हम वीडियो में टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ेंगे जो हमारी नंबर 5 की मूवी है। नंबर 5 पे आती है उस मूवी का नाम है हफ्ता। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 अप टॉप 10। दोस्तों, ये मूवी 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम ड्रामा बाज मूवी है। तो दोस्तों, अभी जाके इस मूवी को देख लीजिए। इस मूवी के रिव्यू में राघव नाथ और भी कई आदर्श एक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस मूवी का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके देख लीजिए। अगली मूवी आती है पुलिस का रुखसंत। दोस्तों, नंबर 4 की मूवी है। दोस्तों, उस मूवी का नाम है पुलिस का शत्रु। दोस्तों, इस ये मूवी 2019 में आई थी। दोस्तों, इस मूवी के रिव्यू में आपको देखने को मिल जाएंगे रघुपति जी। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 अप टॉप 10, जो एक बेहतरीन एवरेज रेटिंग मानी जाती है। दोस्तों, इस मूवी को 94% गूगल यूजर ने लाइक किया था। दोस्तों, जो ये मूवी आपने अभी तक मिस की है तो पहले जाके इस मूवी को देख लीजिए। इस मूवी में आपको एक्शन क्राइम बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। तो इस मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी जाके देख लीजिए। नंबर 3 की मूवी के बारे में बात करते हैं, वो है विजय था। दोस्तों, ये 2018 में आई बेस्ट ड्रामा एक्शन मूवी है। दोस्तों, ये 2 घंटे
18 मिनट की मूवी आपको जरा भी बोर नहीं करेंगे। इस मूवी के रिटर्न में आपको देखने को मिल जाएंगे मुरली शर्मा और भी कई आदर्श एक्टर। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 अप टॉप 10। इसको 93% गूगल यूजर ने लाइक किया था। दोस्तों जो ये मूवी आपने अभी तक मिस किया है तो इस मूवी का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके जल्द से जल्द इस मूवी को देख लीजिए। और आपने देखा है तो मूवी कैसी लगे कमेंट करके बताना। तो हम बात करते हैं जो हमारी नंबर 2 की मूवी है। दोस्तों नंबर 2 पे आती है द विलन। दोस्तों यह मूवी 2018 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। दोस्तों ये मूवी जल्द ही यूट्यूब पे आने वाली है। दोस्तों इस मूवी के रिव्यू में आपको देखने को मिल जाएंगे किच्चा और एमी जैक्सन। दोस्तों ये मूवी जैसे यूट्यूब पे आएंगी मैं इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तब तक वेट करिए। दोस्तों बेस्ट मूवी है, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए जो हमारी जो नंबर 1 की मूवी है, या आपको दूसरी और कोई मूवी अच्छी लगी है वो। तो दोस्तों हम वीडियो में टाइम ना गवाते हुए वीडियो में बढ़ेंगे आगे जो हमारी अगली मूवी है उसकी ओर। तो दोस्तों नंबर 1 की मूवी है, उस मूवी का नाम है द आई स्मार्ट शंकर। दोस्तों ये मूवी 2019 में आई एक्शन रोमांस क्राइम मूवी है। दोस्तों अभी तक इस मूवी को आपने देखना क्या है मिस, तो बिल्कुल भी मिस मत करें क्योंकि ये एक फाड़ू एक्शन मूवी है। दोस्तों इस मूवी के रिव्यू में आपको राम पोथीनी देखने को मिल जाएंगे। और आपने ऐसे जिसने भी ये मूवी देखी है तो कमेंट में आप बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी, क्योंकि बाकी यूजर को देखने में आसानी हो। तो हम वीडियो में टाइम ना गवाते हुए वीडियो में बढ़ेंगे आगे, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक्शन धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो में टाइम ना गवाते हुए वीडियो को करते हैं फिनिश। दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक्शन धमाकेदार मूवीज लेके, तब तक के लिए बाय।